हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉगर सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, अपना अपने परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो सिया, तुमको एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तुम अपनी बहन से जो बार बार पूछ रही हो कि तुम शादी क्यों नहीं होने देना चाहती हो, शादी क्यों नहीं होने देना चाहती हो, अरे भाई वो तो जल रही है। वो जिस दिन तुम्हारे संग सैम को देखी ना पहली बार, उस दिन उसको अपनी बीती हुई आगे का रोमांस याद आने लगा और उसने उस दिन तय कर लिया कि नहीं, मैं तो ये शादी नहीं होने दूंगी। जब तुमने कहा कि तुम उससे शादी करना चाहती हो, तब वो सोची नहीं, जब ये लड़का मुझे छोड़ दिया और मुझे छोड़ के सिया को चुना है, मेरी बहन को, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो ये शादी नहीं। तभी उसने ये तय ही कर लिया होगा मन में कि वो तुमसे उसकी शादी नहीं होने देगी और वो ये चीज़ अपने मुँह से जाहिर नहीं कर पा रही क्योंकि वो तुम्हारी कजन सिस्टर है। वो कैसे बोलेगी कि मेरे मन में अभी भी सैम के लिए फीलिंग्स है, मैं अभी भी उसके प्यार करती हूँ। प्यार ऐसी चीज़ होती है ना, कोई किससे करना छोड़ नहीं सकता, वो एक मन में एक रह ही जाता है। और अगर दिल टूटता है ना, तो वो चीज़ और भी मन में घर कर लेता है जब उसको वही इंसान फिर से मिल जाता है जो उसका दिल तोड़ा था। तो यही काम अभी हिमानी के साथ हो रहा है, इसीलिए वो नहीं चाहती कि तुम्हारी और सैम की शादी हो जाए। समझी, इतने तो लोग समझा रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, पर तुमको नहीं ये बात समझ में आ रही है, पता नहीं क्यों। ये सब समझ जाओ और बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो। और सैम, तुमको मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, ये दोनों बहनें बिल्लियों की तरह लड़ रही है तो लड़ने दो, तुम बंदर की तरह अपने आप गुलाटी मारो और अपनी मम्मी के पास लौट जाओ। क्योंकि तुम इनके बीच में रहोगे ना तो तुम ही पिसोगे और यहाँ पे तुम्हारा इमेज और ख़राब होगा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी बेचारी वहाँ तुम्हारा इंतजार करती होगी ये सोच के कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाएगा। और बेटा है कि यहाँ पे सिया के घर में बैठा हुआ है, और शादी तुमको करनी है नहीं करनी हो तो बात की बात है, अभी ये सब तो रहने ही दो। क्योंकि अभी शादी में तो एक फुल स्टॉप लगाने के लिए हिमानी तो आई गई है, इसलिए अभी शादी की तो बात अभी तो छोड़ी दो और इसलिए तो अपने मम्मी के पास लौट जाओ, यही बेटर होगा। ऑटोमेटिकली सारा किस्सा वहीं पे सॉल्व हो जाएगा और तुमको भी कुछ इतनी परेशानी होगी नहीं, और वहाँ सिया के पापा भी परेशान हो रहे हैं उल्टा, तो उनको भी परेशानी इतना नहीं होगी। बेचारे की अभी भी वाइफ गुजरी है और ये लोग लड़कियाँ सब अपने अपने में ही सब लगी हुई हैं और सिया का तो सबसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सिया तो सिया है। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी था। जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।